तो नमस्कार, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिलीत ऑफिशियल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं तेल का किराया को, सॉरी रेल का किराया बढ़ चुका है। हालांकि तेल का भी किराया जो है, यानी कि फ्यूल का जो रेट है वो भी बढ़ चुका है, बात करेंगे आगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे रेलवे ने कुछ सफाई दी है कि रेलवे को किराया बढ़ाने पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि रेलवे ने किराया बढ़ाया। अंदरूनी मजबूरी कुछ और हो सकती है, लेकिन रेलवे ने यहाँ पे ये कहा है कि इस कोरोना काल में, क्योंकि कोविड के मरीजों की संख्या जो है भारत में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, तो ऐसे में कम से कम लोग सफ़र करें इसके लिए हमने किराया बढ़ाया। हालांकि आप सुने होंगे इससे पहले कि अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म टिकट का किराया जो है, प्लेटफॉर्म टिकट का फेयर जो है वो 10 रुपये से 50 रुपये कर दी गई थी। ऐसे मुझे जहां तक पता है 3 रुपये तक मुझे याद है, 3, 5, अब सीधे 10। हालांकि इन दिनों प्लेटफॉर्म टिकट बहुत सारे स्टेशनों पर नहीं मिल रहे हैं, जहां मिल रहे हैं वहां 50 रुपये में आपको मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, यानी कि कोविड से पहले की, जब प्लेटफॉर्म टिकट का किराया था 10 रुपये, उस दौरान कई बार मुझे ऐसा लगा है कि प्लेटफॉर्म टिकट ना लेकर आसपास के जो स्टेशन होते हैं जहाँ लोकल ट्रेनों में हम सफ़र करते हैं, वहाँ का अगर आप टिकट ले लोगे तो वो आपको प्लेटफॉर्म टिकट से सस्ता पड़ता है। तो जैसा कि रेलवे ने कहा है कि कोविड यानी कि कोरोना के चलते किराया को बढ़ाया गया है, तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ, किराया से कोरोना नहीं बढ़ता है, कोरोना बढ़ता है रेलवे की कुछ पेंट्री कार के जो स्टाफ होते हैं उनकी हरकतों से। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से बढ़ सकता है अगर वाकई में कोविड बढ़ रहा है और रेलवे को इस बात की फिक्र है। तो प्लीज़ आप अपने पेंट्री कार के स्टाफ्स को, जो कि रेलवे की नियमों का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं हमेशा से, और कोरोना का नियम जो अभी बना हुआ है रेलवे में, उनको भी धज्जियाँ उनका भी उड़ा रहे हैं ये लोग, तो इन पर आपको पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि हमारी जेब पर। तो अब यहाँ सवाल है आम आदमियों के लिए कि हम सफ़र कैसे करेंगे। हालांकि आम आदमियों के पास सवालों की और समस्याओं की कोई कमी नहीं रहती है। मैं रेलवे के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सफ़र का जिक्र किया। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ने कोरोना का झांसा देकर अपना किराया बढ़ा दिया है, फ्यूल तो ऐसे ही 100 पार कर चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, रेल तेल को छोड़कर क्या हम बैलगाड़ी में शिफ्ट हो जाए। हालांकि बैलगाड़ी में शिफ्ट होने पर भी आपको ये भी काफ़ी महंगे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो चारा खिलाओगे बैलों को वो भी शायद आगे चल के, नहीं अभी तो पता नहीं है क्या रेट चल रहा चारा का, हो सकता है आगे चल के वो भी महंगे हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम सफ़र ही करें, हम घर में ही रहें भाई, वही मतलब शायद इसी से कोरोना को रोका जा सकता है। क्या है आपकी राय, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा खट्टा लगा होगा, जो भी हो आपकी राय प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।